नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा एक के लिए 20 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक की डायरी भरने के बारे में अपना कंटेंट क्लियर करेंगे, जिसमें हमने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की एक्टिविटीज और हमारी उपचारात्मक शिक्षण की वर्कशीट जो विभाग द्वारा हिंदी और मैथ की सेंड की गई हैं, उन्हें चित्र चार्ट का प्रयोग, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग और अन्य विषयों को समाहित करके बनाई है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम अपने कंटेंट को देखते हैं। इसमें हमने डे वाइज हमें क्या क्या कराना है उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ क्लियर किया है। जैसे आधारशिला की कविता और कहानी, ये कक्षा एक के लिए है, मुर्गी माँ कविता 20 तारीख में कराई जाएगी। उपचारात्मक शिक्षण की वर्कशीट हिंदी की पहली वर्कशीट कराई जाएगी। आधारशिला गणित की गतिविधि, कम ज्यादा तालाब की गतिविधि कराई जाएगी। गणित की वर्कशीट नंबर एक कराई जाएगी। चित्र चार्ट चींटी की कविता कराई जाएगी। और ये प्रतिदिन वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, गिनती और पहाड़े, इनकी प्रोनाउंसिएशन डेली की जाएगी पूरे के पूरे हफ्ते। फिर उसके बाद 21 तारीख में आधारशिला से हम रेडियो और चुहिया कहानी करेंगे। वर्कशीट एक को दोबारा रिपीटेशन में करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइमरी में जो बच्चा आज नहीं आया वो कल आया है, उसका भी क्लियर हो जाएगा और जो दोबारा आया है उसे वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसलिए हमने हर वर्कशीट दो दो दिन ली है यहाँ, जैसे वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, वर्कशीट 5। इसी तरह हमने आधारशिला गणित की गतिविधियां ली हैं, कम ज्यादा तालाब की गतिविधि नंबर एक, कम ज्यादा तालाब गतिविधि दो, ये हमारी गणित की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई हैं गतिविधियां। दूर पास बाघ की गतिविधि फर्स्ट, दूर पास बाघ की गतिविधि सेकंड, छोटा बड़ा बाघ की गतिविधि फर्स्ट, छोटा बड़ा बाघ की गतिविधि सेकंड, आगे पीछे बाघ की गतिविधि फर्स्ट, आगे पीछे बाघ की गतिविधि सेकंड, ऊपर नीचे बाघ की गतिविधि फर्स्ट, ऊपर नीचे बाघ की गतिविधि सेकंड। अब मैथ की वर्कशीट जो उपचारात्मक शिक्षण क्या है, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, वर्कशीट 5। चित्र चार्ट चींटी की कविता, कुश्ती की दो चींटी, प्री नंबर कॉन्सेप्ट का जो चार्ट नंबर एक है उसको क्लियर करेंगे। और 24 तारीख में, क्योंकि मीना का बर्थडे सेलिब्रेशन बर्थडे है तो उसको सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ हम सैटरडे एक्टिविटीज कराएंगे। फिर 27 तारीख में 1 से 9 की संख्या चार्ट कराएंगे, पतंग और बकरी की कहानी कराएंगे, मेला कराएंगे, प्री नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 2 कराएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कक्षा एक में सामूहिक हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, गिनती पहाड़ों का मौखिक अभ्यास प्रतिदिन कराया जाएगा। अब बात आती है हमारी मानसिक और भावनात्मक विकास की गतिविधि, जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की गतिविधियां हैं, कक्षा एक से लेकर 5 तक सामूहिक रूप से लंच के बाद कराई जाएगी। क्योंकि मेरे विद्यालय में केवल 2 शिक्षक हैं, इसीलिए ये गतिविधि हम सामूहिक रूप से सभी बच्चों के, क्योंकि हर क्लास के लिए इक्वल आई है, हम ये इकट्ठा बच्चों को ग्राउंड में खड़ा करके कराएंगे। मानसिक और भावात्मक विकास की गतिविधि भी डे बाय डे लिख दी गई है। 20 तारीख में नाम और क्रिया, 21 में गीत या कविता, 22 में क्या क्या अच्छा लगता है, 23 में आज का दिन, और 24 में क्योंकि मीना का बर्थडे है, और 25 में सैटरडे एक्टिविटी है, 26 में संडे है। वादा और फिंगरप्रिंट हम 27 में कराएंगे, बिल्कुल मेरी तरह एक्टिविटी 28 तारीख में कराएंगे, नमस्ते जी नमस्ते हम 29 तारीख में कराएंगे, पहाड़ी में आग हम 30 तारीख में कराएंगे। और ये गतिविधियां जो विभाग की तरफ से वर्कशीट की और मानसिक व भावात्मक विकास की गतिविधियां आई हैं, ये इकट्ठी पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है। आधारशिला की कविता और कहानी, पहले दिन हम मुर्गी माँ की कविता कराएंगे, रेडियो और चूहिया की कहानी कराएंगे, फिर हाथी की कविता कराएंगे, 23 तारीख में बंदर और गिलहरी कराएंगे, नन्ना खरगोश 24 तारीख में कराएंगे, भालू का बच्चा और बाघ के बच्चे कहानी कराएंगे, अद्दक बद्दक 27 तारीख में कविता करा देंगे, 28 में सियार और ऊंट कहानी कराएंगे, 29 में तितली रानी कविता कराएंगे, कछुआ और खरगोश कहानी कराएंगे। इस तरह ये पूरा 10 दिन का कच्चा खाका आपके सामने प्रेजेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।